आज हम घर पे अमूल के बटर जैसा, जो चौकोर पीसेस में बटर आता है जिसको बच्चे बहुत लाइक करते हैं, तो वो बटर घर पे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 2 दिन की मलाई ले ली है। अब इसमें हमने हल्दी और नमक डालना है, सिर्फ एक चुटकी हल्दी, आधा चम्मच नमक। तो अब इस बटर को नमक और हल्दी के समेत हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है मलाई को। अब ये बटर हमारा बन चुका है, तो इसमें थोड़ा सा हमने पानी डालना है और इसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे ताकि जो थोड़ा सा भी खट्टापन होगा वो निकल जाएगा। अब इसको हमने फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए रख देना ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब इसमें हमने पानी डाल देना है ताकि जो अच्छी तरह से ये वॉश हो जाए और बिल्कुल अमूल बटर जैसा बटर हमारा घर पे ही रेडी हो जाए। जो हम बाज़ार से छोटी छोटी टिक्कियाँ इतनी महंगी लेके आती हैं, तो हम घर की ताज़ी मलाई से ही ये मक्खन अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और 10-15 दिन के लिए ये आराम से निकल जाता है। एक ऐसा मैंने जो ढक्कन ले लिया है थोड़ा सा, तो इसको, इसके बीच में मैंने ये सारा मक्खन लगा देना है। अच्छी तरह से इसको सेट कर लेंगे हम ताकि ये उसी टिक्की की फॉर्म में आ जाए। अब ये बिल्कुल हमने बिछा दिया है इसमें, तो इसको हमने 10 या 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रख देना है। फ्रिज में नीचे नहीं रखेंगे, फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो अब इसको रखते हैं फ्रीजर में। तो अब ये बटर बिल्कुल सेट हो चुका है, मैंने ये 15 मिनट के लिए फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल ये सख्त हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हमने इसको अपने मनचाही जो शेप में हम इसको काटना चाहते हैं, स्क्वायर पीस में जैसे मार्केट में आता है वैसे ही कट कर लेंगे। बर्फी की शेप में तो हम इनको पीसेस को हम निकाल लेंगे कट करके। इस तरह से बड़ी आसानी से ये पीसेस निकल आएंगे, ये देखिए। तो इस तरह से हमने सारे पीसेस कट करके किसी बाउल में भर के रख लेने हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे चकोर पीसेस बनके और खाने में भी उतने ही टेस्टी हो जाते हैं जी, क्योंकि नमक और हल्दी इसमें डल चुकी है। तो बिल्कुल अमूल बटर जैसा, जैसे परांठे के साथ हमने सर्व करना हो, परांठा हो या मक्की की रोटी हो, या फिर हमने दाल में डालना हो, सब्जी में डालना हो, या फिर हम ब्रेड बटर जैसे यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल ही ये बहुत अच्छा बटर हमारा घर पे ही बन के रेडी हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।